नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बुलंदशहर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112, उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आज भरोसा दिला सकता हूं, मैंने कल भी कहा कि पहले ये तय था कि 10 और 12 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए मौके पर, और इसको धीमे धीमे और अच्छा करना था जिससे कि कम समय में पुलिस पहुंच जाए। समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार, सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो भरोसा दिला सकते हैं कि चाहे गाड़ियां बढ़ानी पड़े और बेटियों बहन के लिए जिस तरीके से 1090 पावर वुमेन लाइन बनाई गई थी, अगर स्ट्रक्चरली चेंज करके बेटियों की सुरक्षा के लिए डायल 100 डायल 112 में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो की जाएगी, और वहीं गाड़ियों की संख्या विशेष बढ़ा करके सुरक्षा का माहौल बनाने का काम ये दोनों गठबंधन के लोग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी, गर्मी नहीं भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है, और सरकार कह रही है अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं, ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। अपनी गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके, कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया, तो लोगों को, नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही तो घिस रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। जहां आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है, और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई, और किसान को जब से सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई, किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है, 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीप से कुचल दिए गए थे, तो किसान कुचल दिए गए थे, और अभी भी किसान भूले नहीं है वो। इसलिए मैं कह सकता हूं ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव भी है। इस बार जनता ने तय किया है भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है।
लगातार हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, और जो समर्थन मिल रहा है उस समर्थन से मैं कह सकता हूं सहयोग जो मिलने जा रहा है, इस बार ऐतिहासिक जीत आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की होने जा रही है। इतना बहुमत, इतना समर्थन कभी नहीं दिखाई दिया होगा जितना इस बार दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जाने वाले लोग हैं, नई सरकार आने वाली है, मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जो घोषणाएं की हैं, जो संकल्प लिया है कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, बिल नहीं आएगा, साथ ही साथ सिंचाई मुफ्त होगी किसानों की, और बहुत पुरानी कर्मचारियों की मांग कि ओल्ड पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार और आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल होगी, कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से समाजवादियों ने जो काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं, अगर सड़कों पर एम्बुलेंस है, कोविड में अगर किसी ने मदद की तो उस समय एम्बुलेंस सबसे आगे आई थी, जो उसके ड्राइवर थे उसको भी अपमानित करने का काम सरकार ने किया, जो 100 नंबर 112 हो गई है वो भी समाजवादी सरकार के देने जो सड़कों पर दिखाई दे रही है। कोविड के समय पर जिन परिवारों में भी लैपटॉप पहुंचा होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सरकार जो दावा करती है कि लैपटॉप देंगे, पता नहीं बुलंदशहर में कितने बाबा योगी जी ने लैपटॉप भिजवाए होंगे, कितने स्मार्टफोन दिए होंगे, जब योगी जी खुद ही स्मार्टफोन नहीं चला पाते, किसी और से ट्वीट लिखवाते हैं, किसी और से पढ़वाते हैं, तो आपको हमको लगातार 4.5-5 साल टैबलेट देते रहे हो, पता नहीं कौन सी टैबलेट हमें और आपको देते रहे। इसलिए ये सरकार जाने वाली है, समाजवादियों ने जो जो अपने घोषणा पत्रों में लिखा था पहले वो भी पूरा करके दिखाया था। कम से कम समाजवादी पार्टी का ये जनता में भरोसा है कि अगर समाजवादी पार्टी जो बात कहती है वो करके जमीन पर दिखाती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो प्रत्याशी बैठे हैं, बंसी सिंह पहाड़िया जी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में भारतीय और चीनी सिपाहियों के बीच की हिंसक झड़प में चीन के 38 सिपाहियों की मौत हुई थी। इस बात का खुलासा ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन में प्रकाशित खोजी रिपोर्ट से हुआ। ये संख्या चीन की तरफ से बताई गई संख्या से 9 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट को 1.5 साल के रिसर्च के बाद तैयार किया गया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने सारे मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिसर्चर्स की टीम तैयार की थी, जिसने गलवान डिकोडेड सीख से एक रिपोर्ट जारी की है। एथनी क्लान की अगुवाई वाली स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई सिपाही उस रात गलवान नदी में बह गए थे। इस रिसर्च रिपोर्ट ने ड्रैगन के सभी प्रोपेगेंडों को ध्वस्त कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस झड़प के तथ्यों में हेर फेर करने के लिए 2 अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ दिया था। चीन ने कभी भी गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन पिछले साल उनसे झड़प में मारे गए 4 सैनिकों को मेडल देने की घोषणा की थी। रिसर्चर्स ने बताया कि 15-16 जून की रात में 0 डिग्री तापमान में बहने वाली गलवान नदी में कई पीएलए सैनिक डूबकर मारे गए थे। वहीं आगरा से एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह गाली गलौज करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। अब ये वीडियो आगरा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा के लिए वोट मांग रहे थे और इसी दौरान कुछ गाली गलौज करने लगे, किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 15 बने तमंचे और भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के पटेल कारखाने के पीछे से इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। Yeah.
यह प्रकरण थाना रामगढ़ से संबंधित है, जहां एसओ रामगढ़ ने एक सफलता प्राप्त की है। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके द्वारा एक चलाई जा रही अवैध सस फैक्ट्री को इन्होंने पकड़ा है। इन दोनों अभियुक्तों का नाम अमर और गुड्डू है। दोनों रामगढ़ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा चौड़ा है, जो आपको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनके पास से लगभग 15 तमंचे, 315 बोर बरामद हुए हैं, एक अधबना तमंचा बरामद हुआ है, 2 कारतूस बरामद हुआ है, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और कुछ सुराग और हैं। इनसे संबद्ध व्यक्ति के बारे में और जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही और बड़ा खुलासा होगा। वहीं जौनपुर के आजमगढ़ बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां कार और रोडवेज बस की टक्कर में कार सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही परिवार के 2 सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। गौरव आशापुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मेरठ में लगातार विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में मेरठ के शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सपा विधायक रफीक अंसारी के बोल जो हैं वो बिगड़े हुए सामने आए हैं, जहां जनता से रूबरू होते हुए रफीक अंसारी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 5 सालों से हिंदू गर्दी मचाई हुई है। यही नहीं, भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए रफीक अंसारी ने कहा कि मेरठ का मुस्लिम समुदाय कभी किसी से दबा नहीं, लेकिन इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सपा रालोद गठबंधन से शहर विधानसभा के लिए प्रत्याशी हैं रफीक अंसारी। ये शहर विधायक ने जो कल भड़काऊ भाषण दिया है, जो वीडियो वायरल हो रही है, इसके अंदर पहले से एक विधायक को ये शोभा नहीं देता कि इस तरीके की टिप्पणी किसी भी धर्म के खिलाफ की जाए। और उसके अलावा आप देखिए कि जो टिप्पणी कर रहे हैं एक अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जो मुस्लिमों और हिंदुओं के अंदर जो भेदभाव की ये जो योजना के तहत, साजिश के तहत ये वीडियो वायरल करा गया है, इसके अंदर मेरा कहना यह है जो हिंदुओं का अपमानजनक बातें कही गई हैं इसके अंदर कि हिंदू सरकार आ जाएगी तो गुंडा हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा, इस तरीके की जो बातें हैं हिंदुओं को कितनी, समाज को कितनी ठेस पहुंचती है, तो करनी नहीं चाहिए। और करी भी है तो मैं कह रहा हूं प्रशासन से हमारी ये मांग है इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और ऐसा मतलब सौहार्द जो बिगाड़ने का प्रयास करा जा रहा है, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दंगा भड़कता है शहर विधानसभा के अंदर, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शहर विधायक होंगे, क्योंकि ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय है। और समाज में इतना गलत मैसेज गया है इस चीज़ का कि सुबह से दिन भर से सुबह से कितने फ़ोन तो मेरे पास आ गए कि देखिए शहर विधायक किस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और शहर का माहौल शांत रहना चाहिए। मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे मेरठ प्रशासन से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, ऐसे भड़काऊ भाषण बिल्कुल भी देने की आवश्यकता नहीं। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट 9 में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट 9 पर। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको जान से डर तो नहीं लग रहा?
हमें काहे के डर भैया? तो अपने ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी में बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल इस आंदोलन में, बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पर ग्रामीण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अपने 200 समर्थकों के साथ पहुंचे। समाजवादी पार्टी के 165 विधानसभा प्रत्याशी अभिनव कुमार दीपक के आवास पर पहुंचकर अभिनव कुमार से मिलकर बताया कि मेरे और मेरे संगठन ग्रामीण विकास सेवा समिति के सभी लोग इस बार समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अभिनव कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए विश्वास दिलाया कि सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के किए गए सभी वादों पर काम किया जाएगा। अभी उन्होंने आरंभ किया अपने स्वयं के स्रोतों से गायों को उठा के बंद कराने का, और उनको आप अभी डीएम साहब की भी कल बाइट आई है कि उन्होंने एसडीएम सदर सीओ सबको भेजा है उन जानवरों को देखने, वहाँ पर भूसा चारा चोकर सब उपलब्ध है। अभी आप चले जाइए आज़ाद मार्ग पे, वहाँ पे गाय बंद है कम से कम 10 से 15 दिन से, जिनको ना भूसा है ना चारा है ना चोकर है। इसी तरह से बहुत सी जगह बंद है जानवर, और कल भाई अखिलेश अवस्थी जी ने जो एक प्रयास किया और उनको काफ़ी जले भी हैं। प्रशासन ने क्या उनका सहयोग किया या भारतीय जनता पार्टी ने क्या सहयोग किया? यहाँ से उन्होंने अपनी बला टाली कि उनको कानपुर रेफर कर दिया, हैलट हैलट में बर्न इसका जो वार्ड है वो बंद चल। बुलंदशहर में रेप के बाद हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सीओ और एसएचओ की गाड़ी का घेराव किया। बता दें कि 21 जनवरी को युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं परिजन गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, रात में ही मृतका का अंतिम संस्कार करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस एक हत्यारोपी को जेल भी भेज चुकी है, लेकिन मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है, थाना छतारी के धाराऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गाँव में है, जहाँ से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़की, लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया। कानपुर के सचेंडी में बिस्कुट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल हो गया, वहीं आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
वहीं ललितपुर में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर अपराधियों की धरपकड़ जारी है। एसपी निखिल पाठक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर तालबेहर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता और एसओजी प्रभारी राहुल राठौर ने पुलिस बल के साथ तालबेहर की ओर जाने वाली रोड के पास से एक अभियुक्त को अवैध तमंचे 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इसके ऊपर हमारे यहाँ पर मुकदमा सन 2017 में 302 का पंजीकृत हुआ था, उसमें मार्चशीट चल रहा था। सन 2018 से इसके ऊपर इनाम है, इनाम में करीब 25,000 रुपये का इनाम। उसके बाद इसके ऊपर 12वें महीने में फिर से बढ़ाया गया था और इसकी गिरफ्तारी तालबेहर क्षेत्र से हुई है। 31 तारीख को मुखबिर की सूचना पर तालबेहर की पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के दौरान भी इसके पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रही है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी भी जोर आजमाइश में लगी है। बुढ़ाना विधानसभा से आजाद समाज पार्टी ने सलीम चौधरी को मैदान में उतारा है, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही दलित और मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने में लगे हैं। बता दें कि गठबंधन ने जहां एक तरफ 2 बार विधायक रहे राजपाल बालियान को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने उमेश मलिक को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले घर पर पूजा अर्चना की, उसके बाद मां का आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, शीतला धाम में जाकर आरती भी की। सिराथू विधानसभा सीट केशव प्रसाद मौर्य की कर्मभूमि रही है। पहली बार वो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यहीं से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। उनकी सीट पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। उधर सहारनपुर के बेहट में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक 2 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई। मृतक पीलीभीत का रहने वाला था और बेहट के सढ़ौली कदीम में पशु चिकित्सक था। पिछले 2 दिन से लापता होने के बाद ग्रामीणों ने जब पुलिस को सूचना दी, इसके बाद जब छानबीन शुरू की गई तो उसका शव तालाब से बरामद हुआ। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये देखिए, बेहट थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है सड़ौली कदीम। 31 की रात को वहां का रहने वाला एक युवक है, करीब तकरीबन इसकी उम्र 35-36 वर्ष, और ये वेटरनरी का डॉक्टर है जो कि वहीं प्राइवेट प्रैक्टिस गांव में ही काम किया करता था। उसके वो गायब हुआ था 31 की रात को, और कल सुबह मतलब कि 1 की सुबह जो है इसकी पत्नी ने इसके लापता होने की सूचना थाने पर दी थी, जिस पर कि गुमशुदगी कल सुबह दर्ज की गई थी। इसी क्रम में जो है इसकी छानबीन और पुलिस इसमें लगी हुई थी इसको ढूंढने में, जिसमें कि आज सुबह इसका शव जो हथनी रास्ता जाता है गंदेवर किराए से, वहां पर इसका शव मिला। गायघाट रिमांड होम मामले में अपूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने बड़ा आरोप लगाया। इनका आरोप है कि रिमांड होम से लड़कियों की सप्लाई बिहार सरकार के कई मंत्रियों तक की जाती थी, इसलिए सरकार इस मामले पर लीपापोती कर रही है, सही तरीके से इस केस की जांच नहीं करवा रही। आनन फानन में सरकार के समाज कल्याण विभाग ने खुद से जांच की और रिपोर्ट जारी कर दी। पूर्व आईपीएस ने सरकार की इस रिपोर्ट पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।